है hey एवरीवन आज मैं आपके साथ चिकन अफगानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन बनता है एकदम मलाईदार इसका टेक्सचर होता है इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की होती है और साथ ही साथ अंदर से जो चिकन होता है बहुत अच्छे से कुक होता है एकदम जूसी टेंडर चिकन बनता है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो हम मैरिनेशन के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज है तीन बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां हैं एक अदरक का टुकड़ा है हरे धनिया है पतली पतली डंडियों के साथ में ले लिया मैंने और तेरह से चौदह हरी मिर्च है और तीखी वाली ये मिर्ची है काजू लेंगे करीब बारह से तेरह मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं और ये नारियल का बुरादा है ये आसानी से जो राशन की दुकान होती है वहाँ पे मिल जाता है स्टोर्स पे आपको इजीली मिल जाएगा ये आप ऐड करते हैं चिकन में चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ज्यादा एनहैंस हो जाता है बहुत टेस्टी बनता है अगर आपको ये ना मिले कोई बात नहीं आप काजू की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं यहाँ पे क्रीमी टेक्सचर के लिए तो ये सारी चीजों को मैं डाल दूंगी मिक्सी में और बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिससे अच्छे से ये पेस्ट बन जाए और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अच्छे से ये पेस्ट बन के तैयार है अब हम इसमें ऐड करेंगे चार से पाँच चम्मच हल्का खट्टा दही और ये दही को हम इसी में डाल देंगे ताकि दही जो है वो इसका क्रीमी सा टेक्स्चर हो जाए ये फिट जाएगा मिक्सी में तो अब हम इसमें डाल देंगे इसको चिकन में डाल देंगे चिकन अच्छे से हमने वॉश कर लिया है ड्राई कर लिया है चिकन में हम बड़े बड़े पीसेज लेंगे क्योंकि वो ज्यादा जूसी बनते हैं अंदर से वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं तो इसलिए मैंने इसमें मैरिनेशन डाल दूंगी अभी यहाँ पे और कुछ चीजें हम डालेंगे जैसे ये है चार चम्मच मैंने ये फ्रेश क्रीम दी है कुटे हुई मिर्चें डेढ़ चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और नमक डाल देंगे एक चम्मच आप ज़्यादा नमक ना डालें बाद में आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है फिर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैरिनेशन अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाना चाहिए इसको हम रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे आधे घंटे बाद फ्रिज से निकाल लिया है और पीसेस को हम इस तरह से जो भी मैरिनेशन है वो हटा देंगे रिमूव कर देंगे और सिर्फ पीसेस पीसेस हम ले लेंगे अलग प्लेट में क्योंकि हम इसे करेंगे फ्राई और ये मैरिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के लिए तो मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में और सारे पीसेस हम डाल देंगे हमें एक ही बार में जो पैन में है सारे पीसेस डाल देने हैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई नहीं करना क्योंकि इक्वली फ्राई होगा फिर और इसको हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि जो उसके अंदर का पानी है वो रिलीज ना हो जिससे जो उसकी नमी है वो बरकरार रहे तभी हमारा जो चिकन है अंदर से जूसी बनेगा टेंडर बनेगा तो हाई फ्लेम पे हमें बस इसे कलर देना है हम बाद में चिकन को कुक करेंगे बस हमें एक कलर देने के लिए तो ये ना छीटे मार रहा था तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है पर कवर करके हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना वरना पानी रिलीज होने लगेगा और इसको हाई फ्लेम पे ही रखना है और यहाँ पे हमारा जो चिकन है एकदम फ्राई हो गया है अच्छी तरह से चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से इक्वली फ्राई करना है और जब ये फ्राई हो जाएगा हम इसे रिमूव कर लेंगे ऑयल में से निकाल लेंगे इसी ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है इसमें चिकन के फ्लेवर्स है और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है जीरा ले लेंगे एक छोटा चम्मच दो सफ़ेद इलायची एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा तेल में डाल के क्रैकल कर लेंगे सारी चीजों को भुन जानी चाहिए फिर हम ऐड करेंगे मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना थिक लग रहा है आपको और यहाँ पे मिक्स कर देंगे अच्छे से और ये ना इसमें क्रीम है और थोड़ी थिक वाली चीजें हैं गाढ़ी गाड़ी, -गाड़ी चीजें इस वजह से यह ना थोड़ा सा उछलेगा तो आप इसको लिड लगा के ढक्कन लगा के ही इसको पका सकते हैं इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाने बीच में चलाते रहना है क्योंकि इसके लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें क्रीम होती है क्रीम बहुत जल्दी चिपकती है बर्तन में तो आप इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता दस मिनट बारह मिनट तक हमें इसे कुक कर लेना है अच्छी तरह से फिर हम मसाले में एड करेंगे फ्राई करा हुआ चिकन अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को चिकन में और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी एड कर देंगे क्योंकि अभी हमने चिकन को कुक नहीं किया है चिकन अभी कच्चा होगा अंदर से थोड़ा ही पानी डाला है मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे चौदह से पंद्रह मिनट या जब तक नहीं गल जाता चिकन जब तक पका लेंगे हम और बीच में आप स्टर जरूर करते रहें रहें चलाते जरूर रहें, क्योंकि ये 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 बहुत ज़्यादा है और ये अच्छे से जब तक ये गल नहीं जाता जब तक हम इसे कुक कर लेंगे तो इसमें करीब चौदह से पंद्रह मिनट ही लगा है और बनने के बाद मैंने इसमें स्मोकी फ्लेवर दूंगी बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन अगर आपको पसंद है आप जरूर दें फॉर बेटर टेस्ट तो मैंने यहाँ पे कोयले कोयले को सिंपली सुलगा के रख दिया एक कटोरी में और उस पर बटर या घी डाल देंगे इसको कवर कर देंगे ज़्यादा नहीं देना मैंने बस एक मिनट के लिए दिया था यहाँ पे और इसको मिक्स कर देंगे दोबारा फ्लेम को ऑन कर देंगे थोड़ा सा हमें गरम करना है फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बस हरा धनिया डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और अदरक वगैरह नींबू जो जो आपको पसंद है वो आप ऊपर से गार्निशिंग में डाल सकते हैं बस हमारा जो अफ़ग़ानी चिकन है बन बिल्कुल तैयार है बहुत टेस्टी बनता है है आप जरूर ट्राई करें बहुत आसान सी रेसिपी है अंदर से जो हमारे चिकन है एकदम जूसी टेंडर बनके तैयार होता है आप यहाँ पे जरूर चेक कर सकते हैं कि, कि कितना मजेदार सा चिकन लग रहा है वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ